एक लड़की आई, शी वॉज इन हाई स्कूल, मतलब ए लेवल्स की एज थी, एंड शी सेड टू मी के हमारी एक पार्टी हुई है, हमारा कोई वही जो साल के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, हैलोवीन नाइट, फ्ला नाइट, डबगा नाइट, किसी एक नाइट पे हमारी पार्टी हुई और स्कूल की तरफ से इंडोर्स्ड पार्टी थी, स्कूल ने उसको इंडोर्स किया कि यस यू विल हैव दैट पार्टी। द गर्ल सेड टू मी के उस पार्टी पे मेरे जो ड्रिंक था उसको स्पाइक कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेज कि आई वाज कंज्यूमिंग अल्कोहल दैट नाइट, और इवन इन हैविंग अल्कोहल समबडी स्पाइक माय ड्रिंक, जिसको कहते हैं ना कि उसको बोलते हैं वो एक दे लिटरली कॉल इट द रेप ड्रग, सो वो उसके ड्रिंक को स्पाइक किया गया अंटिल शी बिकेम अनकॉन्शियस। शी सेड व्हेन आई वोक अप आई वाज लाइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड आई हैड नो रिकॉलेक्शन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड टू मी। सुबह फजर के टाइम पे कहती है मेरी आंख खुली है, आई वाज लाइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड और हु डिड व्हाट टू मी ड्यूरिंग द 3-5 आवर्स दैट आई वाज आउट। ये मैं कहां का वाकया सुना रहा हूं आपको, लंदन का, न्यूयॉर्क का, पेरिस का, एम्स्टरडम का, लास वेगास का, नहीं, ये मैं आपको पाकिस्तान का वाकया सुना रहा हूं। समबडी दैट केम टू मी फॉर काउंसलिंग फेस टू फेस, और जिसने मुझे ये कहा था कि प्लीज डोंट टेल माय फादर, प्लीज डोंट टेल माय फादर दैट दिस इज द इशू बट आई एम शेयरिंग इट विद यू। आप कहते हैं मदरसे में बच्चे रेप हो रहे हैं, ये मैं आपको, एक बहुत इलीट यूनिवर्सिटी है, बहुत इलीट यूनिवर्सिटी है, उसकी पार्टी का वाकया सुना रहा हूं आपको जो कि यूनिवर्सिटी ने इंडोर्स किया है। फिर आप कहते हैं कॉलेजों में फाशी नहीं होती, यूनिवर्सिटियों में फाशी नहीं होती, नहीं जी नहीं, सारे माशाल्लाह अल्लाह के वली निकल रहे हैं वहां से। तो दिस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज द सैड रियलिटी दैट वी आर डीलिंग विद, हमें पता ही नहीं होता हाफ द टाइम। मैं कहता हूं अगर पेरेंट्स को पता चल जाए ना, पेरेंट्स बेचारे कभी कभार उनको आइडिया नहीं होता, वो समझते हैं कि जी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां पे सारे आराम से शरीफ होके पढ़ाई लिखाई चल रही होती है। अगर इमेजिन करें हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाओ, हर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगाओ, हर दरख्त के नीचे सीसीटीवी कैमरा लगाओ, हर बाग में सीसीटीवी कैमरा लगाओ, और माँ बाप को एक्सेस हो कि जी ये वेबसाइट है, जाके आप आराम से जाके चेक कर लें और देख लें किसी टाइम पे भी आपका बच्चा क्या कर रहा है, फिर देखें सिचुएशन क्या होती है, फिर देखते हैं माँ बाप क्या कहते हैं कि जी बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजना या नहीं भेजना। आखिर में मैं सूरह नूर की एक आयत आपके सामने रखता हूं, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کہ انڈیڈ دوز ہو لائک دیٹ امورالٹی شوڈ بی اسپریڈ امانگس دوز ہو بلیو ول ہیو اے پینفل پنشمنٹ ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یعنی وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے फिर लदीना आमनु जो ईमान लाए हैं उनमें फाशी फैले। मोमिन लड़कों और लड़कियों में जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, यानी कि जो करते हैं, जो पसंद करते हैं, हु जस्ट लाइक के लड़के लड़कियों का मिक्सिंग बड़ी अच्छी चीज होती है। पसंद करते हैं कि फांसी फैल भी जाए तो क्या, देखो ना ये तो खेलने कूदने के दिन है, अगर आपस में कुछ रिलेशनशिप हो भी गया तो कैसी कौन सी बड़ी बात है। अतः कह रहे हैं जो लोग पसंद करते हैं कि मोमिन मर्द और औरतों में फांसी फैले, उनके लिए क्या है, लहुम अजाब उन अलीम, उनके लिए शदीद अजाब है। कहां पे, आखिरत में नहीं, फिर दुनिया वाल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए अजाब है और आखिरत में भी अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कितनी सख्त आयत है, देखें कुरान मजीद में अगर आप देखें उठा के या हदीस मुबारक में, बहुत थोड़े ऐसे काम आपको मिलेंगे जिसमें पनिशमेंट आपको दुनिया आखिरत दोनों में मिल रही है, वरना अक्सर पनिशमेंट ऐसी होती है कि अगर आपने दुनिया में मिल गई आखिरत में कोई हिसाब नहीं है, फिर उसका दुनिया में पनिशमेंट मिल गई आखिरत में नहीं होगा, अक्सर का ऐसा ही मामला है। लेकिन कुछ पनिशमेंट ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कि अल्लाह को इतने नापसंद हैं कि उसकी पनिशमेंट दोनों जहानों में, और उनमें से एक कौन सा है, जो लोग पसंद करते हैं कि मोमिन मर्द और औरतों के बीच में फाशी फैले, उनके लिए अजाब, अजाब अलीम है, अजाब भी नहीं, अजाब अलीम, शदीद अजाब, कहां पे, दुनिया में भी, फिर दुनिया वल आखिरा। ये मैं कह रहा हूं आपसे नहीं, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19 खुद जाके चेक करें, खुद अपनी आंखों से पढ़ें इसको और देखें इसका ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है।
मैं दुआ करता हूँ अपने तमाम हमारे लीडरान के लिए भी, हमारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों को चलाने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको भी ये तौफीक दे कि वो वाकई में अपने बच्चों की खैर और आफियत और उनकी प्रॉपर एजुकेशन के लिए काम करें, जहां पे उनका ईमान कॉम्प्रोमाइज ना हो, जहां पे उनकी हया कॉम्प्रोमाइज ना हो, जहां पे उनका दीन कॉम्प्रोमाइज ना हो. मतलब नथिंग कैन हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ योर दीन. दिस इज इन फैक्ट द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट यू हैव. आपके पास हिदायत से ज्यादा एक्सपेंसिव चीज और कोई नहीं हो सकती दुनिया में, बिकॉज यही हिदायत है जो आपको इंशाल्लाह जन्नत तक पहुंचाएगी. अगर ये हिदायत नहीं है, अगर ईमान नहीं है, तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ एनीथिंग.